अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। आज मैं आपसे गोभी वाले पुलाव की रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही आसान तरीके से जो आपको बना के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, माशाल्लाह जी, कढ़ाई हमने ऊपर रख लिया। सबसे पहले इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने ऑयल को पहले अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है जी। माशाल्लाह जी, ऑयल गर्म हो चुका है। इसके साथ ही 1 टीस्पून जीरा शामिल कर देंगे। इसके साथ ही 2 तेज़पत्ते हैं, 1 बादयान का फूल, 1 मोटी इलायची, 2 सब्ज़ इलायची हैं, 3 से 4 अदद लौंग हैं, साथ में काली मिर्ची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इसको 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसके साथ ही एक हमारे पास बड़े साइज का प्याज है, इसको हमने काट लिया, ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, प्याज को आपने लाइट ब्राउन कर लेना है। जी माशाल्लाह जी, प्याज को हमने लाइट ब्राउन कर ली है, देख सकते हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही 2 टमाटर हैं, तो मैंने साइज के ही शामिल कर रहे हैं। जी इसके साथ ही अभी हम 1.5 चम्मच नमक शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर देंगे। इसके साथ 1 टीस्पून थोड़ा कूटी हुई मिर्च शामिल कर देंगे। साथ में 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। साथ में 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अच्छे तरीके से अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी डाल के मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है जी। माशाल्लाह जी, मसाले की हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। 3 से 4 मिनट के लिए हमने मसाले की भुनाई की है। अभी हम इसके साथ ही गोभी शामिल कर देंगे। 1 किलो गोभी है, इसको हमने मोटा मोटा काट ली है। बिस्मिल्लाह, अभी हम गोभी की भुनाई कर लेंगे मसाले में 3 से 4 मिनट के लिए। जी माशाल्लाह जी, गोभी की हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अभी हम इसमें पानी शामिल कर लेंगे। हमारे पास 2 गिलास चावल हैं, 4 गिलास पानी शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिस बर्तन से आपने चावलों का नापना उसी बर्तन से आपने पानी डालना। तो हमारे 2 गिलास चावल थे, हमने 4 गिलास पानी शामिल कर दिए। अभी हम इसको ढक के रखेंगे, अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए। इसको ढक के रख दिए, अभी जब पानी में बॉयल आएगा फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। जी माशाल्लाह जी, पानी में अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है, देख सकते हैं। इस टाइम पे आप नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं, अगर कम हो आप डाल सकते हैं। अभी हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, 2 कप चावल थे, इनको हमने अच्छे तरीके से आधे घंटे के लिए भिगो कर रखा हुआ था। बिस्मिल्लाह, अभी हम एक दफ़ा इसको अच्छे तरीके से हिला लेंगे। इस तरीके से आपने चावलों को ज़्यादा हिलाना नहीं है। अभी हम हाई फ्लेम पे चावलों का पानी मिक्स कर लेंगे। जी चावलों का पानी मिक्स हो रहा है, इस टाइम पे हम इसमें 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, कटी हुई मिर्चें शामिल कर दी हैं, एक दफ़ा इसको हिला लेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आपको। जी माशाल्लाह जी, चावलों का पानी मिक्स हो चुका है। अभी हम इसको दम लगा देंगे। लो फ्लेम पे इसको हम ढक के 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह जी, 15 मिनट हो चुके हैं, अभी हम देखने लगे। माशाल्लाह, सुबहानअल्लाह जी, देखें जी कितने ज़बरदस्त तरीके से दम हो चुका है, चावल हमारे लग चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, सुबहानअल्लाह जी, देखें जी कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, सुबहानअल्लाह जी, देखें जी कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। आप लोगों ने भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताया।
बताना कि आपको कैसे लगे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।